नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल एंड मनी ज्ञान पे। आज हम बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आखिरी में बात करेंगे कि बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, सारी चीज़ों को वीडियो को 4 मिनट के अंदर समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बगल में आप देख सकते हैं हमारी 2023 की शेयर एनालिसिस की प्लेलिस्ट, और साथ ही साथ हमने IDFC पे कई सारे वीडियोस बनाए भी हैं और लगातार हम रिकमेंड करते आ रहे हैं बाय करने के लिए, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है ये स्टॉक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो न्यूज़ निकल के आ रही है, इंडियाज IDFC फर्स्ट बैंक सेज मर्जर विल बूस्ट क्रेडिट ग्रोथ, यानी कि जो इन्होंने नया मर्जर करा है वो इनके क्रेडिट ग्रोथ को बूस्ट करने में हेल्प करेगी। लेकिन कौन सा मर्जर हुआ है, किस मर्जर की बात हो रही है, उसको हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। इंडियाज IDFC फर्स्ट बैंक एक्सेप्ट्स टू सी रोबस्ट क्रेडिट ग्रोथ फॉलोइंग इट्स रीसेंट मर्जर अकॉर्डिंग टू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO वी वैद्यनाथन। यानी कि अभी जो रीसेंट इनका टाई अप हुआ है उसमें कहीं ना कहीं अच्छा खासा क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिलेगा, और ये जो हुआ है वो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। जो विस्तारा एयरलाइंस है उनके साथ हुआ है मर्जर, किस चीज़ को लेकर मर्जर हुआ है उसको भी हम वीडियो में कवर करेंगे। उसके पहले इंडियाज IDFC फर्स्ट बैंक एक्सेप्ट टू सी अ रोबस्ट क्रेडिट ग्रोथ। लास्ट वीक IDFC फर्स्ट बैंक सेड इट्स बोर्ड हैड अप्रूव्ड इट्स मर्जर विद IDFC लिमिटेड द लेटेस्ट इन वेव ऑफ कंसोलिडेशन इन इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर। यानी कि लास्ट वीक में ही अगर हम बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक ने ये भी बताया था कि उनके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया IDFC लिमिटेड के साथ मर्जर। अब जो मर्जर निकल के आ रहा है, दिस कम्स जस्ट डेज आफ्टर अ $40 बिलियन मेगा मर्जर बिटवीन इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर HDFC बैंक विद हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। यानी कि HDFC बैंक का जो मर्जर हुआ है $40 बिलियन का, उसके जस्ट बाद ये न्यूज़ निकल के आ रही है। अब यहाँ पर समझते हैं इनका जो मर्जर हुआ है वो क्या चीज़ें रहेंगी और क्या क्या देखने को मिल सकता है। फॉर इंडियाज क्रेडिट मार्केट लेट मी से अबाउट 15% क्रेडिट ग्रोथ वुड बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन इन नियर फ्यूचर, एंड फॉर आवर बैंक अ 25% क्रेडिट ग्रोथ वुड बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन विद स्टेबल एसेट क्वालिटी। यानी कि यहाँ पर 25% तक की क्रेडिट ग्रोथ की बात करी जा रही है कंपनी की, बैंक की, कि हम नियर फ्यूचर में देख सकते हैं वो भी स्टेबल एसेट के साथ साथ। इसके अलावा बात करें, लास्ट वीक IDFC फर्स्ट बैंक सेड द प्रपोज मर्जर वुड बूस्ट द बैंक स्टैंड अलोन बुक अलोन बाय 4.9% कंपेयर्ड विद इट्स फाइनेंशियल एज ऑफ March 31। इट ऑल्सो सेड इट्स एम टू इंक्रीज इट्स बैलेंस शीट बाय 20-25% पर ईयर इन नियर टू मीडियम टर्म। यानी कि 20-25% तक पर ईयर यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी बैलेंस शीट में, जो इनका IDFC लिमिटेड के साथ मर्जर हुआ है। इसके अलावा अगर हम मेन चीज़ों पे देखें तो यहाँ पर IDFC का यहाँ पर टाई अप हुआ है विस्तारा के साथ, और उस टाई अप में जो मेन चीज़ निकल के आ रही है वो ये है कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च करेंगे विस्तारा और मास्टर कार्ड के साथ टाई अप करके। और इस मर्जर के साथ भी कहीं ना कहीं बैंक को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आज के टाइम पे आपको ही पता है लगातार ट्रैवलिंग बढ़ती जा रही है, और खासकर जो भी ट्रैवलिंग हो रही है, चाहे वो होटल बुकिंग हो चाहे वो एयर टिकट हो, ज़्यादातर लोग अपने क्रेडिट कार्ड से करते हैं अलग अलग ऑफर्स के वजह से। और यहाँ पर आप आर्टिकल में देख भी सकते हैं ऑलरेडी विस्तारा ने अलग अलग बैंकों के साथ टाई अप कर रखा है, जिसपे कहीं ना कहीं इनको अच्छे खासे ऑफर देते हैं, और इस वजह से यूज़र अट्रैक्ट होते हैं। और इसी को देखते हुए IDFC फर्स्ट बैंक ने भी ये कदम उठाया है ताकि उनके यूज़र को एक अच्छी फैसिलिटी दी जा सके, क्योंकि इसमें लॉन्च हो गया, गोल्फ हो गया, कैंसिलेशन हो गया फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग में ऑफर, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और इसके वजह से क्रेडिट फैसिलिटीज़ यूज़ होती है और कहीं ना कहीं बैंक को इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। तो ये थी मेन जो न्यूज़ निकल के आ रही थी। इसके अलावा अगर IDFC फर्स्ट बैंक शेयर के बारे में बात करें कि अभी हमें बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, तो जिनके पास ऑलरेडी है वो होल्ड करके ही रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अभी और अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। बट बाय करने के लिए सही टाइम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बैंक का प्राइस जो है वो काफ़ी हाई चल रहा है, अपने नियरली 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। तो ऐसे में अब आपको वेट करना होगा एक करेक्शन के लिए, उसके बाद ही नई एंट्री बनाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं।